लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में, बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए। कि पिछले 10 साल में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, और हिंदुस्तान की युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है, वो जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जाए। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है, और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में, बीजेपी में गुलामी चलती है। जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। हमारी कोई सुनता नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में, सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था, जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा? मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। ये सारे के सारे अधिकार जिनकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने खून पसीना देके बनाया, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसके खिलाफ थे। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। तो सारे के सारे अधिकार
कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। और राजा जो भी करना चाहता था करता था, उसके लिए कोई कानून नहीं थे। ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया और ये हिंदुस्तान के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में पहली बार किया गया है। पहली बार एक हिंदुस्तानी को एक वोट दिया गया, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, जनरल कास्ट का हो, तमिल हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेश का हो। हिंदुस्तान के हर नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन एक वोट देता है। यह कांग्रेस पार्टी ने किया। गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, अंबेडकर जी ने सालों संघर्ष किया, ये कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने, सबने मिलकर दिया है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे, वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोकशक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए, आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी, उनकी पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और राजा महाराजाओं के भी खिलाफ थी। यह सच्चाई है। पार्टनरशिप थी राजाओं महाराजाओं की, अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। अगर आप यहां साठ सत्तर, उससे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले आप यहां आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है और एक बार फिर ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। जो आजादी से पहले था वहां हिंदुस्तान को वापस लौटा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, ये आपकी संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये आपकी संस्थाएं हैं।
सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के हैं। उनको आता होता कुछ है नहीं, कुछ नहीं आता उनको। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज मेरिट पे नहीं बनते हैं। हिंदुस्तान के वाइस चांसलर आज अगर एक संगठन में हैं तब बन सकते हैं। तो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे आपकी आवाज की रक्षा होती है, जिससे आप देश को चलाते हो, इन सब का ये कब्जा कर रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि हमारे दिल में जो है हम नहीं बोल सकते। इनके दिल में क्या है? इनके दिल में वो है जो हिंदुस्तान की जनता के दिल में है, वो नहीं बोल सकते। तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में। सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है, तो लड़ाई इस बात की है, हम देश की जनता को देश की शक्ति देना चाहते हैं, देश की जनता को देश की शक्ति हम पकड़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सफेद क्रांति की, हमने सफेद क्रांति में मदद की, मगर सफेद क्रांति को आनंद के महिलाओं ने शुरू की। सफेद क्रांति हिंदुस्तान की नारी शक्ति ने की, हरी क्रांति देश के किसानों ने की, किसानों की शक्ति ने हरी क्रांति की। आईटी रेवोल्यूशन देश के युवाओं ने किया, कांग्रेस पार्टी ने मदद की, कांग्रेस पार्टी ने विजन दिया, मगर आईटी रेवोल्यूशन हमारे युवाओं ने किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, और हिंदुस्तान की युवाओं की जो शक्ति है, करोड़ों युवाओं की जो शक्ति है, वो जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता है, आजकल हिंदुस्तान का युवा 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे, कभी इंस्टाग्राम देखेगा, कभी फेसबुक देखेगा, ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और उसकी शक्ति जाया हो रही है। एक तरफ किसानों पर आक्रमण, युवाओं पर आक्रमण, और दूसरी तरफ
हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। यह सच्चाई है भाइयों और बहनों, सुनिए। कुछ दिन पहले मेरे पास युवा आए, कुछ युवा आए, मुझे कहते हैं राहुल जी, अग्निवीर योजना से पहले हमें आर्मी में ले लिया गया था। एक 150,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना ने और एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया और एक्सेप्टेंस उनको मिल गई। 150,000 युवा। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और 150,000 युवाओं को उन्होंने आर्मी में एयरफोर्स में नहीं आने दिया। देश प्रेम की भावना थी, रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। आंसू आ रहे थे, कह रहे थे सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिंदगी खत्म कर दी, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। गांव में हमें झूठे सैनिक कहा जाता है, इतनी भी इज्जत नहीं रखी। उनको अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया। बाहर उठा के फेंक दिया। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं।